दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, जब बिंदु जंक्शन आगे है दोस्तों, ये बिहटा साइड मेरा का जो सिक्स लेन है, ये रोड अभी यहीं तक कंप्लीट हुई है। मैं 2 से 2.5 घंटे के अंदर में गया पहुंच सकते हैं, पिलर का टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं पटना गया डोबी का जो 4 लेन बन रहा है, मैं उसका अपडेट देने आया हूँ दोस्तों। और अभी मैं महुली के पास हूँ और आप देख सकते हो कि जो महुली के पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि जो महुली के पास ये जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, ये आप देख सकते हो उसका पिलर का टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अब इसके ऊपर जो है गाटर वगैरह, जो स्टील गाटर है यहाँ पर रखी हुई है, जो भी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, इसकी स्टील गाटर इसके ऊपर अब रखी जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर ये आरओबी के लिए इधर बन रही है और इधर सरिस्ताबाद की तरफ चली जाएगी दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1 या 1.5 महीना पहले मैं यहाँ पे आ करके इसी जगह से मैं वीडियो का अपडेट दिया था पटना गया धोबी का। अभी मैं दोबारा से अपडेट दे रहा हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि कितना काम हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं पटना गया धोबी जो 4 लेन है, मैं 4 लेन के ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों। मैं 4 लेन के ऊपर आ चुका हूँ और इस तरफ ये रेलवे ओवर ब्रिज के लिए काम हो रहा है, जो रेलवे ओवर ब्रिज बनाई जानी है ये उसके तरफ ये काम हो रहा है। और इस तरफ पुनपुन की तरफ चली जाएगी दोस्तों, तो मैं आपको ये भी मैं सरिस्ताबाद की तरफ भी ले जाकर अपडेट दूंगा। अभी मैं पुनपुन की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ काम हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एकदम शानदार रोड एकदम बन चुकी है, जो कि पटना वाले के लिए अगर गया जाना है, जो अब पहले 2.5 घंटा 3 घंटा से भी ज्यादा समय लगता था, मतलब 4 घंटा 5 घंटा गया जाने में लग जाता था, अब वो गाड़ियां से दोस्तों 2 से 2.5 घंटे के अंदर में गया पहुंच सकते हैं। जब ये 4 लेन का उद्घाटन हो जाएगा, जब 4 लेन बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अंडर पास है दोस्तों। ये देखिए, एक अंडर पास बनाया गया है जो कि यह भी जरूरी होता है। पटना गया धोबी प्रोजेक्ट NH 83। वाह, क्या कितना शानदार व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों तरफ खेत है, इस तरह की रोड है, क्योंकि इस तरह की रोड रहती है तो गाड़ी चलाने में काफी मजा आता है दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड जो रोड है, ये पुनपुन बांध रोड ही कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पुनपुन बांध रोड है और मैं अभी पुनपुन नदी की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों। और कुछ ही दूरी पर पुनपुन नदी है, यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जा रहा है गया है, जो कि रोड को क्रॉसिंग के लिए यह भी जरूरी था दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर एक अंडरपास बनाया गया है, जब ये बन जा रहा तो भी मैंने अपडेट दिया था हमारे पिछले वीडियो में दोस्तों। यहाँ पर मेरे एक्शन कैमरा की ना बैटरी डाउन हो गई थी, वही मैं चेंज कर रहा था और मैं आ गया हूँ पुनपुन नदी के पास। और आप देख सकते हैं कि ये रोड अभी कच्ची है, ये अभी बनी नहीं है, मतलब उसका फिलिंग वगैरह का काम कम्प्लीट कर लिया गया, बस इसके ऊपर टॉप
टॉप पिचिंग नहीं की गई है। और ये मैं देख सकते हैं आप कि आगे जो पुनपुन नदी का जो ये ब्रिज बन रहा था नया वाला, वो आगे बन रहा है और उसके लिए भी यहाँ पर गटर वगैरह रखी जा चुकी है। ये मैं पुराने वाले पुनपुन नदी से जा रहा हूँ दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पुनपुन नदी में जो पानी का जलस्तर है भी आ गया है और यहाँ पर इसका पिलर वगैरह का भी काम जो है कि हो रहा है। और यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर के ऊपर गाटर रखा गया है। यहाँ पे इस पुनपुन नदी में पिलर जो है कि ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 ही पिलर होगी टोटल। और इसका बाढ़ के वजह से आप देख सकते हैं कि इसका नदी का जो जलस्तर है वो भी कुछ बढ़ चुका है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं और आगे आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर इसका जो गाटर है उसको ढलाई का काम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो बेटा सरमेरा रिंग रोड है वो भी है। और पट्टा गया डोबी का मैं अपडेट यहीं तक रहा, थोड़ी सुबह थोड़ा मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। और ये तो पुराना वाला तो काफ़ी सालों से बना हुआ है, इसका जो ये 4 लेन वाला जो वही है, इस पर कुछ नया प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो आगे जो अंडर पास के लिए जो ब्रिज बन रही है उसका जो काम है कि जो कि लगा हुआ है अभी तक उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी व्यूवर हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन ऑन कर दे ताकि जितने भी डेवलपमेंट हो रही है उसकी वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो ब्रिज की जो ढलाई की जो काम है उसको की जा रही है उस तरफ की। ये तो पहले बन के कम्प्लीट हो गया था, उस तरफ की अभी की जा रही है। दोस्तों मैं यहीं तक आपको दिखा पा रहा हूं क्योंकि आगे रोड कंप्लीट नहीं है, जो कि आगे है एक अंडर पास बन रहा है और दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। यहां पर है ये एरिया जटडुम्बी जंक्शन आगे है दोस्तों। ये बीटा साइड मेरा का जो 6 लेन है उसका फ्लाई ओवर भी यहाँ से नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रेलवे लाइन है और ये रोड अभी यहीं तक कंप्लीट हुई है, मैं यहाँ से वापस चलूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में करूँगा अपडेट, यहाँ से मैं वापस चलता हूँ दोस्तों।